नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा मिच और मनरेगा कर्मियों के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी हैं या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी करते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं फिर भी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनरेगा कामगारों को बीमा दायरे में लाने का प्रस्ताव सरकार करने जा रही है। 342 रुपये में 4 लाख तक का कवर बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपको काम करते करते आपकी कार्यस्थली पर आपकी डेथ हो जाती है या आपको कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या मुआवजा आपको देती है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। ग्राम पंचायत सहायक, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, ग्राम रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी आशा बहने और मनरेगा मिट और मनरेगा मजदूरों को लेकर भी इस वीडियो में कुछ खास पेशकश करने जा रहा हूँ। निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के दायरे को बढ़ा सकती है। इसके लिए मनरेगा के कामगारों को भी दायरे में लाया जाएगा। SBI की एक खास रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रस्ताव है कि मनरेगा कामगारों को अनिवार्य रूप से इन दोनों बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसके लिए केवल 342 रुपये, 330 रुपये और 12 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इसका बोझ सरकार उठा सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केवल 10% परिवार या व्यक्ति 10 दिन का रोजगार करते हैं। अनिवार्य रूप से इन बीमा योजनाओं से जुड़ने को लेकर 400 से 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस खर्च का बोझ सरकार वहन कर सकती है। दोस्तों, बीमा की पहुँच वित्त वर्ष 2000 से 2001 में लगभग 2.3% था। बीमा क्षेत्र को उदार बनाने से वित्त वर्ष 2008-09 में यह प्रतिशत लगभग 5.5% बढ़ के हो गया है। अगर हम अब की बात करें तो लगभग 10% के करीब पहुंच चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं कि बीमा योजना की डिटेल क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग इस बीमा योजना के बारे में बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं। बाकी जहां तक सवाल है बीमा पॉलिसी को लेके, तो सभी मनरेगा कर्मियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल सभी बीमा पॉलिसी पर 18% की दर से GST लगता है। इस कर में कमी से प्रीमियम में कमी आएगी और लोग बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आकर्षित होंगी। यानी सरकार अब बीमा पॉलिसी पर GST यानी 18% की जो भी ब्याज, 18% का जो भी टैक्स लगता था उसको अब माफ़ कर दिया है। यानी अब आपको 342 रुपये में से 18% घटाकर आपको अपने बीमा पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मनरेगा कर्मी हैं, कई बार उनके कार्यस्थली पर उनका देहांत हो जाता है या फिर किसी भी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं। उनके पास कोई बैकअप नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता है कि वो अपने पीछे छोड़े गए परिवारों का भरण पोषण आसानी से करवा सकें। तो इस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी मुआवजा राशि देती है वो अलग है, लेकिन कागजों पे होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार इन दो बीमा योजनाओं को लाई है और उसमें सभी संविदा कर्मी इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।